Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामपुर की विधानसभा सीट जो कि आजम खान की थी, वहां पर उनका किला था, वो ध्वस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना ने वहां पर जीत दर्ज की, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। इस कड़ी में आजम खान को लेकर एक और ऐसी खबर आ गई है जो वाकई चौंकाने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। दरअसल बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों से गुरुवार को जिरह नहीं हो सकी। अदालत ने जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया था, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता जिरह के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर समय की मांग की गई। प्रार्थना पत्र पर अभियोजन और वादी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दाखिल की गई। आपत्ति पर बहस के बाद अदालत ने आजम खान पर ₹5,000 जुर्माना जमा करने के आदेश दिए, साथ ही जिरह के लिए एक और अवसर दिया। अदालत अब 19 दिसंबर को सुनवाई करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोतवाली का है, जो भाजपा नेता आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था, इसमें से भाजपा नेता ने अब्दुल्ला की अलग अलग जन्म तिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया है। इस मामले में आजम खान के साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा भी नामजद है। इस मामले की सुनवाई MPMLA स्पेशल कोर्ट यानी कि मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। अभियोजन की ओर से गवाही कराई जा रही है। आजम खान के अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जिरह की जानी है। वर्तमान में विवेचनाधिकारी नरेंद्र त्यागी और अब्दुल्ला के नामांकन में प्रस्तावक रहे दिनेश गोयल की गवाही चल रही है। दोनों के बयान हो चुके हैं, अब आजम खान के अधिवक्ता द्वारा गवाहों से जिरह की जानी है। कोर्ट 3 दिन से लगातार सुनवाई कर रही है, लेकिन बचाव पक्ष द्वारा जिरह के लिए बार बार समय की मांग की जा रही है। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को जिरह के लिए अंतिम अवसर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बचाव पक्ष की ओर से कई अधिवक्ता जो है वह जिरह के लिए नहीं पहुंचे। दो अधिवक्ताओं कर रहे हैं पैरवी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि मुलजिम पक्ष की ओर से दो अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं। दोनों कोर्ट नहीं आए, उनकी ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र भेजा गया है। इस पर आपत्ति दाखिल की गई। आपत्ति पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुजलिम पक्ष पर ₹5,000 का जुर्माना करने के आदेश दिया। अदालत ने अब जिरह के लिए 19 दिसंबर की तिथि तय की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव भले ही अफजाल जो आजम खान है वो हार गए हैं, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।